तो अब हम करते हैं ये प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है कि जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग में कहाँ जुड़ते थे? आगे जुड़ते थे, ये जुड़ेंगे पीछे। पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। शब्द जो शब्दांश में जो मूल शब्द में बदलाव लाते हैं या तो पूरा उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ये है मूल शब्द, जैसे हमने उपसर्ग में भी मूल शब्द देखा था और उसके आगे जुड़कर जो उपसर्ग ने नए शब्द बनाए थे वो देख लिया। ये है मूल शब्द, इसके पीछे प्रत्यय जुड़कर इसके शब्दों के अर्थ को बदल देता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। देखिए यहाँ पर ये मूल शब्द है दिख, दिख के ऊपर से प्रत्यय है आवा, तो क्या बन जाएगा? दिखावा। क्या बन जाएगा? दिखावा। हो गया दिखावा, पूरा नया शब्द बन के आया। फिर है खेल, खेल के ऊपर से क्या बन गया? खेलना, प्रत्यय है ना, खेलना, बोलना, कूदना, रोना, ठीक है। तो नाना वाले सारे जो भी प्रत्यय वाले शब्द है वो इससे हम बना सकते हैं। फिर है महान, तो उससे प्रत्यय आ गया ता, तो हो गया महानता, महानता, सभ्यता, महानता। फिर वाला, और मूल शब्द है फल, तो क्या बनेगा इससे? फल वाला। कौन सा प्रत्यय है? वाला, फल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला। तो ऐसे बन जाएगा शब्द मूल शब्द से प्रत्यय। फिर है मूल शब्द जादू और प्रत्यय है गर, तो हो जाएगा जादू गर, जादूगर, कारीगर, ऐसे शब्द इसमें बनकर आते हैं। फिर है चित्र और प्रत्यय है कार, तो हो जाएगा चित्रकार, 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 अदाकार, नाट्यकार, ये बहुत सारे शब्द इसमें भी बन के आते हैं। फिर है सजा और आवट, तो क्या होगा? सजावट, सजावट, सजावट शब्द बन के आएगा। लिखावट, मिलावट, ये सारे शब्द इससे बनते हैं। फिर है धन, धन से आया प्रत्यय वान, धन वान, धनवान, पुत्रवान, मूल्यवान, ये सारे शब्द भी इससे बनकर आते हैं, जो भी प्रत्यय वान लगता है। फिर आया मम, मम से प्रत्यय होता है इसमें त्व, ममत्व, ममत्व। फिर आया घबरा और प्रत्यय आया आहट, तो घबरा हट, घबरा हट, रुकावट, घबरा हट, ये सारे शब्द हमारे बन के आए प्रत्यय। प्रत्यय ने जो बदलाव लाए मूल शब्दों के अंदर, मूल शब्द पीछे लगते हैं और पीछे लगकर जो भी इसमें बदलाव लाए शब्दों में, तो ये देखिए कितने अलग अलग शब्द सब पूरे उसके अर्थ भी बदल जाते हैं और पूरा शब्द भी बदल जाता है। तो ये है प्रत्यय बच्चों। उपसर्ग और प्रत्यय में ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, आप आसानी से ये कर सकते हो। और अच्छे से आप ये वीडियो देखकर, समझ में नहीं आए एक दो बार देखकर वीडियो, और आप ये अच्छे से समझ लोगे, तो ठीक है। हम आगे का फिर PDF फाइल में देखते हैं। जो उपसर्ग और प्रत्यय में कुछ शब्द ऐसे भी है कि मूल शब्द के साथ जुड़कर वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो पहला है मूल शब्द मान, मान से उपसर्ग हम कौन सा लगाएंगे? अप लगाए, चलो अप। अभी यहाँ से कौन सा होगा? प्रत्यय इत, तो एक नया ही शब्द मिलके आया अपमा नित, अपमा
नित। ठीक है, मिलता है ना यह शब्द नया अपमानित। फिर है दूसरा योग, तो योग से उपसर्ग कौन सा बनेगा, उप लगाते हैं हम आगे, उप। फिर यहाँ पीछे लगाएंगे प्रत्यय ई, बड़ा ई, शब्द क्या बन जाएगा, उपयोगी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो मूल शब्द के साथ उपसर्ग भी मिलते हैं और प्रत्यय भी उसके साथ मिलते हैं। फिर है हार, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, सम, सम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, समहार। तो पीछे क्या लगेगा यहाँ पे, क, अक, समहार क शब्द बन जाएगा, समहारक। फिर यहाँ पे है स्पष्ट, स्पष्ट में हम उपसर्ग लगाएंगे सु, सु सॉरी यहाँ पे आएगा सु स्पष्टता, सुस्पष्टता शब्द बन गया, सुस्पष्टता। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे डर्श है, यहाँ पे मूल शब्द है डर, तो यहाँ पे लगाएंगे नी, तो क्या हो गया, नीड। फिर लगाएंगे ता, तो हो गया नीडरता, नीडरता। फिर है यहाँ पे वार, वार से क्या बनाएंगे, पीछे हम आगे लगा देंगे हम उपसर्ग परी, तो क्या बन जाएगा, परिवार। और यहाँ पर हम प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, इक लगा देते हैं, चलो इक, पारिवारिक शब्द बन के आएगा, पारिवारिक। हो गया ऐसे। फिर लास्ट में है ज्ञान, तो ज्ञान के आगे हम वी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, विज्ञान। अभी इसके पीछे लगा दे इक, तो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक हो जाएगा। तो आया समझ में। कई सारे ऐसे छात्रों शब्द हैं कि जो शब्द है वो मूल शब्द के साथ उपसर्ग भी मिलते हैं और प्रत्यय भी मिलते हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलके एक नए शब्दांश की ही रचना करते हैं, जिससे उसका पूरा अर्थ भी बदल जाता है। तो आप ये ध्यान से करोगे तो ये करने में बहुत मज़ा भी आएगा और आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी फिर हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।